एक नई अभियान के शुरुआत और नई रोशनी, नई पर्यावरण ऊर्जा लेकर के हम लोग प्रवेश करें जल कार्यक्रम यात्रा के साथ। नारी के सहयोग बिना हर बदलाव अधूरा है। नारी के सहयोग बिना हर बदलाव अधूरा है। नारी के सहयोग बिना हर बदलाव अधूरा है। हता दरिया आना बहुत दरिया बिल्कुल जी करे बाबू मागा एंकोन से। ये पानी यात्रा का कार्यक्रम आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसी गांव वालों को जागरूक कर रहे हैं कि बड़ा बड़ा पेड़ को नहीं कटना है, पर इसीलिए वो लोग आज से शपथ लिया कि आज से हम लोग पेड़ नहीं कटेंगे दीदी। और ये सवेरा फाउंडेशन हम लोग को पेड़ के जंगल बचाव के बारे में बार बार मीटिंग कर रहे हैं और हम लोग को अभी धीरे धीरे जागरूक होते आ रहे हैं। उसके बाद पानी का स्रोत हमारा पताल के अंदर चला जा रहा है, क्यों जब तक हम पानी को भी बरसात पानी को हम नहीं बचाएंगे तो हमारा पानी का जल स्रोत निजी स्तर चल जा रहा है। इसीलिए जो भी पानी बरसात पानी को बचा के रखना है और वो अगर नहीं बचाएंगे तो सीधा नदी छोटा नदी से समुद्र में बह के मिल जाती है। कम से कम जो भी पानी हम बहाएंगे या सोख्ता गड्ढा बनाएंगे या छोटा छोटा नाला बनाएंगे पानी को स्टॉक करने के लिए और जिसके माध्यम से हम अपना जल स्तर को जल लेवल को बढ़ाएंगे। जल जो है और जंगल जो है वो हमारे लिए कितना मतलब महत्वपूर्ण चीज है, तो उन महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर के हमें कैसे उसको बचाना है और बचा कर करके उसको आने वाला जो जनरेशन है जो हमारे बच्चे हैं वो भी कैसे इससे लाभान्वित हों, तो हमारा एक कार्यक्रम दो दिन का है कि पानी और जंगल को कैसे दोनों जुड़ा हुआ है एक दोनों के साथ। और ये संदेश गांव के एक एक व्यक्ति तक के ये मालूम हो कि अगर जंगल है तो पानी है और पानी है तो हम कल हैं, अगर पानी नहीं है तो हम भी नहीं हैं। कि इस गांव में चापाकल भी नहीं है, तालाब भी नहीं है, पीने के पानी से लेके नहाने तक के लिए महिलाओं को बहुत दिक्कत होता है। ते ये ते भाई बगान ये ते मामला कोई नहीं मामला तोड़ा, हमारा पेट रोब जुदियावा यदरती मामला तोड़ा। खेती होगा हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमारे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। ये गांव आज कहां से कहां तक पहुंच गया है, मैं आशा करता हूं आप लोगों को थोड़ा समय मिलेगा इन लोगों से बातचीत करने का और सीखने का कि किस तरह से ये गांव पूरा कुछ ही सालों में 4 से 5 सालों में कितना बदल गया है ये गांव। अब हरियाली नहीं होगा तो खुशहाली नहीं होगा, अब खुशहाली नहीं होगा तो हम लोग जीवन अंधेरा होगा, अब अंधकार मय में हम लोग डूब जाएंगे। इसलिए एक जंगल के काटने पर हम लोग एक गीत गाते हैं कि कैसे जंगल को लोग काट रहे हैं और कैसे जंगल को बचाना चाहिए। मैया के अपने हम जंगल काटवे, मैया के अब हमने जंगल काटवे, मैया के अब हमने जंगल काटवे, जंगल में हम जाके पेड़ लगेवे, जंगल में जाके पेड़ लगेवे, मैया के अब नहीं हम जंगल काटवे, मैया के अब हमने जंगल काटवे। अरे बीए पसोला ही काके मिलन न करिया फुटा फुटा रो वेला, अरे देश पर देश बा में जाई के बाबूआ तो पौधा लगा
लड़ाएंगे ताकि हमारे बच्चे को फल मिल सके। साथ साथ बारिश का जो पानी है उसको भी हम लोग बचाएंगे। हल चला के खेतों को मैंने ही सजाया रे, धान गेहूं मक्के को मैंने ही उगाया रे, चूल्हा भी जलाया मैंने, धान भी पकाया रे, ये ध्यान में रखना है कि जब हम जल की बात करते हैं, जब पानी की बात करते हैं, उसी के साथ हमें लोगों का बनाया हुआ जंगल, आदिवासियों का बनाया हुआ जंगल, दलित समुदायों का सुरक्षित जंगल से जो पानी साफ सुथरा होके मिट्टी में घुसता है, उसी पानी को निकाल के वो बोतल में भर के आपसे पैसा लेते हैं। ये पानी हमारा है, ये पानी समुदाय का है, उस पानी को हमें बचाना है। पेड़ पौधा तो हमारे पास रहता है लेकिन हम लोग नष्ट उसको इतने अधिक मात्रा में कर रहे हैं कि अभी हम लोग के यहाँ भी पानी का दिक्कत हो रहा है, नदी सूख रहा है और पानी का लेवल इतना ज्यादा हो रहा है कि चापाकल सूख रहा है, कुआं सूख रहा है। भूख रोग के स्वराज नहीं छोड़ा।